मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, मेरा पैर छोड़ो तो जाने दो मुझे। देखो तो सुनी, अभी तक बदहवास नहीं हुआ मैं, तेजी का गुंडा छोड़ दो, जाने दो मुझे। आपने बिना मुझे बताया तो उसकी शादी कैसे करूँ? क्यों न करता? क्या था किसी के बाप का? नवाब हूँ, खानदानी हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ मैं। ख्वाहिश महसूस थी करनी शादी। नवाब आ रहा है, ऐसा उसने क्या पाया जो पूछना नहीं? जरा आई ना देखो तस्वीर, सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गई हो। आप जानना चाहती उसके पास क्या? माली दौलत, गुलाब से रोसा, गजाला सिया। नहीं, पहले मेरा गला खोल दीजिए, तभी आप मेरे साथ से मिल सकते हैं, मेरे जीते भी नहीं। शुक्र मनाओ तस्वीर कि मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आया, वरना वो यहाँ होती और मैंने तुम्हारी छुट्टियाँ पकड़ कर पार कर दिया होता। आखिरी बार कह रहा हूँ, जाने दो मुझे। मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ बूटा के अब्बा, गला घोट कर बाहर जा रही है मुझे। मैं नवाब आगा ऐसे लिए पैदा हुआ तेरे खून से अपने हाथ क्यों कर लूँ? तुझे मरना है तो छत पर लटक कर मत, मकान की छज्जे से जलान लगा दे, पैसे मैं देता हूँ, तू क्या खाकर मर जा, पर मुझे छोड़ दे। नहीं जी, आप मेरी सांस में नहीं रह सकते। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे बच्चा, छोड़ दे रहा। मैं पर हाथ भाया तो समझ लेना। सुन, ऐसे होती है हालत बच्चे और गलत बात। अपने बाप के बच्चे एक ही पटकने में पता भी नहीं चलेगा कि तू पैदा भी हुआ था या नहीं। ये मेरा खून नहीं, किसी दलील का खून बोलो। खून अपने बाप से ऐसी बात नहीं कर सकता, जाना से तुझ पर और तेरी बाप। रो मत माँ, वो चले गए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपका बेटा हूँ ना, मैं भरूंगा आपके आंचल में खुशियाँ। सब कहते हैं तू दोनों जहाँ का मालिक है, और ये भी कहते हैं तू सब कुछ कर सकता है, तू मेरी दुआ भी पूरी कर दे, मुझे मेरी माँ के लिए जल्दी से बड़ा कर दे। मैं मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए अल्लाह मियाँ कभी ना नहीं बोलूँगा, पर तुम मुझे कभी भिखारी ना बनाना, और हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो मेरी कभी शादी ना कराना। मैं तुम्हें कसम देता हूँ, मैं अपने अम्मा के आंसुओं की कसम खाता हूँ कि कभी शादी नहीं करूँगा, कभी बाप नहीं बनूंगा। दुनिया चलती है बिस रहा इंसान, दुनिया चलती है बिस रहा इंसान, या खुदा ये तेरी खुदाई है। दुनिया चलती है बिस रहा इंसान, दुनिया चलती है बिस रहा इंसान। दम नहीं तोड़ दे जवानी कहीं, दम नहीं तोड़ दे जवानी कहीं, शम्मा की आंधी से लड़ाई है।
चक्की है पिस रहा इंसान, दुनिया चक्की है पिस रहा इंसान। बैठ रे थोड़ा कहीं छाओ तले, बैठ रे थोड़ा कहीं छाओ तले, आगे कोई ऊंची चढ़ाई है, दुनिया चक्की है पिस रहा इंसान, दुनिया चक्की है पिस रहा इंसान। जिंदगी जाने कहां अटकेगी, जिंदगी जाने कहां अटकेगी, गोया कट के पतंग आई है, दुनिया चक्की है पिस रहा इंसान, दुनिया चक्की है पिस रहा इंसान। या खुदा ये तेरी खुदाई है, भाई नवाब बूटा के भी हाथों का जवाब नहीं, क्या पतंग बनाते हैं। अम्मा यार क्या कनकौवे बनाते हैं, लोग अच अच करते हैं। क्या मजाल के नवाब बूटा के हाथ की बनी पतंग, अम्मा दाएं झुक जाए या बाएं गिर जाए। भाई नवाब बूटा के हाथों की बनी पतंग तो हम छोड़ ही नहीं सकते, अपनी भी यही कोशिश रहती है। पता नहीं यार बूटा के हाथों में क्या जादू है, अरे उसकी पतंग के तो मुंह मांगे दाम मिल जाते हैं। नवाब बूटा देख, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें कनकौवा बनाने का संसार बनाया था। अच्छा सर, ये इतनी ढेर सारी पतंगे, ये कनकौवे, ये हमने बनाए कब, पहले ये बताया। ये बाद में बताऊंगा, दुकान में कयामत आई है, पहले उनको जाकर यकीन दिला दो मेरे भाई। किस बात का? कि ये सारे कनकौवे तुम्हारे हाथ के बने हैं। हम मतलब आपने हमारे नाम से इतना ढेर सारा माल 2% का बनाकर बेच भी दिया। नवाब बूटा एक बात की गिरह बांध लो, बाप भला ना भैया, सबसे बुरा बेईमानी का कमाया हुआ रुपया। नवाब बूटा वक्त की नजाकत से पहचानो और अंदर जाकर कह दो कि ये कनकौवे सारे तुम्हारे हाथ के बने हैं, काम में तो 19-20 हो जाया करता है। अच्छा साहब हमें दुकान में ना भेजो, इस वक्त तुम्हें अंदर जाकर झूठ को सच कहना ही होगा। चलो पूछे पूछे पूछे। नवाब बूटा हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, ये सारे के सारे कनकौवे आप ही के हाथ के बने हैं। यही नहीं, हमारे नाम से बाकी जितने भी कनकौवे हैं हमारे हाथ के बने नहीं है। देखा ना पुत्तन, हम ना कहते थे बूटा ना तो कभी 2% कागज इस्तेमाल करेगा, ना ही सड़े हुए ऐसे कांप और छड्डे लगाएगा। तो भाई मच्छर माल वापस लेते हो या? माल तो मेरा बाप भी वापस लेगा। ये लो। अगर जिंदगी चाहता है तो किसी गली या चौराहे पर नजर ना आना, बड़ा ईमानदार और नेक बनने चला। अरे देखूंगा बेटा देखूंगा, तेरी सच्चाई और ईमानदारी तुझे राजा बनाती है या सड़कों पर भीख मंगवाती है।
मच्छन साहब, भिखारी तो खैर वो हमें बनने नहीं दे रहा, और राजा बनने की ख्वाहिश हमारी नहीं है। हम नवाब बूटा हैं और नवाब बूटा ही रहे। देख भाई ऊपरवाल, तेरा और हमारा बहुत पुराना यार है, बल्कि बल्कि हम तो तुझे यारों का यार मानते हैं। ऐसे लगता भी यही है कि तुम्हें भी हमसे कुछ ज्यादा ही इश्क है। पर एक बात तो बताए महबूब हमारे, कि इश्क के ये सारे इम्तिहान क्या हमारे लिए रखे हुए? धोखे फरेब की टोपी पहनाकर अपना उल्लू सिधाना करो, सही, चोरी चकारी करके पेट ना पालो, ये भी सही, किसी का दिल ना दुखाओ, ये भी सही, और झूठ ना बोलो, ये तो बिल्कुल सही। पर एक बात तो बताया अल्लाह मियां, ये मच्छन मियां के यहां हमने सच्ची बोला ना, तो बदले में हमें मिला क्या? हाँ, क्या मिला? निकाला? ठीक, हम जानते ही नहीं बल्कि यकीन भी रखते हैं कि जिसे तू प्यार करता है उसे नित नए तरीकों से परखता भी है। मगर एक बात तो बताए, इतने बड़े जहान में क्या सिर्फ हम ही रहे हैं परखने परखाने के लिए? हाँ, ऐसे एक दास्तान मशहूर है तुम्हारे लिए कि गधा को चाहे आप तो एक पल में बादशाह कर दो। अब बुरा मत मानिएगा, हाँ, जिन्होंने तो पड़ी रहा है ना आपको, गधा बनना तो दूर की बात है, गधा बनकर सड़क पर मारे मारे फिरने की नौबत आ पहुंची हमारी। देख, तू रहीम भी है, करीम भी है, मेहरबान भी है। सुन रहा है ना, हम तुझी से बात कर रहे हैं भाई, तेरी गिने शिकवे का हकदार तो तूने हमें बनाई रखा है। हाँ, एक छोटी सी इल्तिजा पूरी कर दे, हमें अमीरी दे दे। देखते तो सही रियासत कैसे होती है, हमें दौलत देने से तेरे खजाने में तो कमी नहीं आई। हाँ, हमारा ख्वाब जरूर पूरा हो जाएगा, अगर हम अमीर बन गए तो। ओए गुरु बूटे, ओ तुसी इत्थे बैठा क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस। यार दिल, एक बात तो बताओ यार। ओए क्या तुसी दस दसो, ये झूठ, मक्कारी, दगाबाजी, बेईमानी, ये सब के बिना क्या इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता? ओ देख भाई गुलबुट्टे, इस दुनिया में तरह तरह का इंसान रहता है, और जीवन जीने के खातिर थोड़ी बहुत तो नरमी गर्मी सहनी पड़ेगी। पर हमने तय कर लिया, ना तो हम खुद कोई तीए पाचे का काम करेंगे और ना ही किसी झाई झाती का, बस कह दिया। ओए तू ये क्यों नहीं कहता कि तू है नवाब, और तू नवाब ही तो कर सकता है पर कुछ काम काज नहीं कर सकता। दिल, तुम अच्छी तरह जानते हो मेहनत करने से जी नहीं चुराते, पर हम झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, हम सड़क पे खड़े होकर तरबूज बेच सकते हैं, नखास के बाजार में कबूतर बेच सकते हैं, मगर बेमानी नहीं कर सकते। ओए बचाओ, कहने और करने में बहुत फर्क पड़ता है। एक बात कहूँ, एक बुरा नहीं मानना, और तू तेरे अंदर जो नवाब छिपा बैठा है ना, वो तुझे कभी कुछ भी नहीं करने देगा। और तू मेरी गल सुन यार, और तू इक्का चलाओ, और काम घंटा भी ना बात, एक रुपया, और पाशा बहन जी तू भी आ जाओ, और नकार से टूलिया गंज चवन्नी, और इसमें ना झूठ ना बेमानी। अर्जुन, हमारी चिट्ठी वाली बात ने हमारी जिंदगी में एक नया दरवाजा खोला है। ओए बूटे, ओए ओए क्या बोल रहा है यार, ओए हम तो मखौल कर रहे थे। नहीं नहीं दिल, तुम्हारा ये मजाक हमारी जिंदगी की मशाल बनेगा। ओए 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 चुप जा,
और नवाब बूटा और लखनऊ में इक्का। लाला बलराम, आपका असल और सूद दोनों का कुछ न कुछ करवा कर बूटा के हाथों भिजवा दूंगी, मगर आपसे गुजारिश करती हूँ घर पे कुर्की न लाइएगा। ठीक है। तस्लीम बहन, मुंह मीठा कराओ, एक खुशखबरी लाई हूँ। बूटा के लिए फिर किसी नई लड़की की तस्वीर, ये जानते हुए भी कि बूटा देख कर घस ना जाए तो चंदा मेरा नाम नहीं। ऐ बुरी, शादी बूटा को करनी है, मुझे घस क्यों आने लगा? तस्वीर जो खूबसूरत नहीं है बहना, इकलौती है सारे खानदान की, और फिर चार जाती मकान, पांच आमोर शरीफों के बाग, और अल्लाह झूठ न बुलाए तो 30 सेर चांदी और 15 तोले सोना, और बहना नगदी तो इतनी समेटोगी कि सारे दुख तुम दोनों माँ बेटों के सुख में बदल जाएंगे। बस यूं समझ लो कि अगर बूटा मियाँ ने इस लड़की से शादी कर ली तो बस पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। चंदा खाला, आप हमारा ही था कढ़ाई में नहाने पर क्यों तुली रहती हैं? और अगर भूले बचके भी हमें शादी का ख्याल आया चंदा खाला, तो हम सबसे पहले आप ही को खबर करेंगे। ठीक है, अड़े रहो मियाँ तुम अपनी जिद पर, पछताओगे। तस्मीन बहन, ये दस्तरखान का वक्त क्या कुछ आगे पीछे कर दिया है? नहीं नहीं चंदा खाला, यकीन मानिए आपका आना ही एहसास कराता है कि दस्तरखान का वक्त हो गया है। माँ दस्तरखान। इतना फिक्रमंद मत रहा करो, ज्यादा सोच जिस्म को खोखला कर देती है। माँ। कहो। माँ, मैं आपका वसीका दे देना चाहता हूँ। ये जानते हुए कि उस तरह पहचान के खत्म होने से आपको धक्का लगेगा। बेटा, तेरी जान से ज्यादा अजीज ही पहचान नहीं है। माँ सदते जाए तेरे, अगर बेटा 5 रुपये 2500 मिलेंगे माँ। अच्छा हाँ, कर्जा भी चुक जाएगा और बाकी के रुपयों से मैं इक्का खरीद कर चलाऊंगा। इक्का? हाँ माँ, इक्का। बिस्मिल्लाह करो बेटा, इज्जत से रिस्क कमाने वालों की इज्जत का मुहाफिज भी खुदा बंद करी। अरे जन्नत मियां, कुछ सुना आपने? अरे भाई, नवाब बूटा की बात कर रहे हो ना? नवाब साहब ने इक्का खरीदा है जनाब। मैं मियाँ सिर्फ खरीदा ही नहीं बल्कि उसे चलाने की खुद ही ठानी है। हमें पत्ता फेंकी है, कहाँ खो गए? हमें पता है, लखनऊ के हर गली कूचे में बूटा के इक्के के चर्चे चल रहे हैं। क्यों नहीं चलेंगे, चलने ही चाहिए। बूटा ने अपने इक्के को ऐसा चमचमाया है। यूँ लगता है जैसे लखनऊ की सड़कों पर बूटा का इक्का नहीं दुनिया का 8वां अजूबा नजर आ रहा है। किसे कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। खानदान का नाम तहस नहस कर डाला इक्का चलाकर नवाबजादे ने। नवाब कंजन साहब, आप सिर्फ खानदान की बात क्यों कर रहे हैं? नवाब बूटा की जिरी हरकत ने हम नवाबीन की नस्ल दर नस्ल की वजादारी को खाक में मिला दी। जी हाँ, मंजिल दर मंजिल करता
चल पार जलंधर, मंजिल कर मंजिल करता चल पार जलंधर, आसमान सर पे जमी पैरों के नीचे, चलने का ही नाम जिंदगी आंखें नीचे, कर हौसला बुलंद तेज रफ्तार कलंदर, चल कलंदर, मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर, ओ मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर। खाली पेट रहो खले कर लो चार निकाह, पैदा चौदह रत्न हो मालिक है अल्लाह, मेरी मेहनत एक इबादत है नमाज है, वो मेरा राजदां जहां का कारताज है, रहे लबों पर उसकी एक पुकार कलंदर, चल कलंदर, मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर, मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर। भाई मियां एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने। पूछिए डॉक्टर पूछिए। आप पहले इक्के वाले हैं जिसको सवारियों से तकरार करते नहीं देखा। अबे कभी नौबत ही नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि समझ को समझना भी समझदारी का है ना। अबे वाह वाह वाह। अबे यूं कि आप जैसी सवारियां खुद ब खुद उतरते वक्त अपने आप कुछ ना कुछ दे रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि कुछ लोग कम पैसा देते हो। अब भाई कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। वाह 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 वाह। अब कभी नरम कभी गरम, अब कभी मिठास कभी गड़वाहट, इसका नाम जिंदगी है। जी 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 आपका मकाम आ गया। अरे भाई अक्सर आपको और आपके अक्के को लोग ढूंढते रहते, आप किसी खास अड्डे पर तो नहीं रुकते? यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ का जर्रा जर्रा खास। अब जिंदगी नाम है चलते रहने का, जिंदगी ना किसी एक मकाम पर खड़े रहकर राह क्यों तके। शुक्रिया मियां शुक्रिया। अच्छा मियां खुदा खुदा खुदा। चलो कलंदा चलो। बूटा कई दिनों से कोफ्तों की जिद कर रहे थे। तो कोफ्तों के साथ एक कोफ्त की बात भी सुन लो। आदाब चंदा खाला। जीते रहो बैठो। मैं तुम्हारे ही पास आई थी शहजादे। किसी शहजादी का पैगाम लेकर? भाई जले पे नमक न छिड़को बूटा मियां, तुम्हारे अब्बा ने सातवां निकाह किया और लड़की की उम्र तुमसे यही थी 19-20 हो गई। एक तुम कि शादी का नाम लेते ही इनकार कर देते हो। अरे कुछ तो अपनी माँ के बुढ़ापे पे तरस खाओ। अरे ले आओ ना एक उसके हाथ बटाने के लिए। चंदा खाला आशा पलट भी तो सकता है। बहू आकर हमारी माँ की जिंदगी के चार दिन दो दिन में भी तो बदल सकती है। भाई ये तो किस्मत का खेल है मियां। अभी तुम्हारे पास उम्र है तो रिश्ते आ रहे हैं, दुश्मनों के कान बहरे। अगर कल को सबने ठान ली कि इसके वाले से हम अपनी लड़की नहीं ब्याहेंगे तो क्या चंदा खाला, लड़की वाले इस गम में दो रोटी कम खाएंगे। हाँ लेकिन आपके दीदार नहीं हो पाएंगे चंदा खाला। फिलहाल तो आप कोफ से नौश फरमाएं। यार कलंदर इतनी सी बात इंसान के समझ में नहीं आती कि इक्का चलाएं या जूते में कील लगाएं, काम कोई बुरा नहीं होता, बुरी होती है चोरी डकैती।
पालने वाले, आज तुमने देखा बाप की सास ने शादी सुनकर हम पर गुजरी तो गुजरी, हमारी माँ हिल के रह गई। आज बचपन की कसम दोहराकर हम तुझे दीवी कसम याद दिला रहे हैं, अल्लाह हमारी शादी ना करा। हम इसी ख्वाहिश में जी रहे हैं कि हमारे फना होने के साथ साथ हमारे बाप नवाब आगामी नस्ल भी तप्त न होकर फना हो जाएगी। नहीं रोशन करना है बूटा को चिराग से चिराग। लीजिए कलंदर मियां, जलेबियां खाइए। लो ना बार, आराम से आराम से। भाई हमारा कलंदर अभी जलेबियां खा रहा है, सवारियां नहीं ले जा। सवारियां नहीं है, हमें हुक्म मिला है, हम तुम्हें ले चलने के लिए आए हैं। अब हाँ कलंदर मियां, जरा आराम से खाइए, जो भी खाते हैं प्यार से खाते हैं। हम तुमसे बातें कर रहे हो, तुम घोड़े से बातें कर रहे हो। सीधी तरह से चले चलो। कमाल है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कोई वजह कोई सबब? ये बुलाया किसने? नवाब साहब आलम ताजदार मिर्जा नवाब हशमत अली खान जहांगीर। ये इन बड़ी बड़ी हस्तियों को हमारी क्या जरूरत पड़ गई? अगर तुम सीधी तरह नहीं चले तो हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। भाई उठाया जाता है जनाजा, मैयत मुर्दा लाश। ये बूटा तो अभी जीता जागता चलता फिरता इंसान है। बैठिए हमारे इक्के में। रब बोलिए कहाँ ले चलना है आप लोगों को? ढाका वाकी हवेली। चल कलंदर चल। आजा कहिए हमें क्यों याद किया? तुम्हारे होश ठिकाने लगाने के लिए। क्या किया है? क्या नहीं किया है? खानदानी रह के जिंदगी गुजारना हंसी ठट्ठा नहीं है मियाँ। कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो, और ये इक्का चलाने का सिलसिला खत्म कर दो। शर्म के मारे हमारी रातों की नींद उड़ गई है। अरे गली कूचों की दीवारों से नजरें बचाकर चलते हैं, न जाने किधर से आवाज आ जाए कि वो जा रहे हैं इनके रिश्तेदार नवाब आगा का बेटा नवाब बूटा। सड़क पर इक्का दौड़ाता फिरता है। बात समझ में आ गई बात समझ में कि कौन सा गम आप लोगों को परेशान किए हुए। ये बूटा हमारा खून, हमारा रिश्तेदार, हमारा अजीज, हाथ में कटोरा लेकर गलियों सड़कों चौराहों पर हमारे आगे पीछे दौड़ने के बजाय मेहनत का पसीना बहाकर इज्जत से रोटी कमाकर खुद को और अपनी माँ को खिला रहा है। तुम्हारी किताब में लिखा होगा इक्का हाँकना इज्जत की निशानी। किताब? चार किताबें पढ़वाना तो दूर की बात है, हमारे बाप ने हम माँ बेटे के लिए दो मुट्ठी सत्तू के बारे में लिखा। दो मुट्ठी सत्तू? क्या मुंह लेकर बात करते हैं आप? अपने खानदान खून की, अपनी इज्जत की, नवाब आगा की इज्जत और विकार की सोचे है कि मरते हैं तो मर जाए फाके से बूटा और उसकी माँ। अरे लानत है ऐसी अय्याशी पर, ऐसे खानदानी खून पर। औकात में रहो नवाब बूटा। क्यों असलियत खोली तो त्योरियां बल खाने लगी, औकात पर उतर है। आपे न हो बूटा, आप हो रहे हैं। हमारा हाथ उठ जाएगा बूटा। हमें भी अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं। बूटा अपने हद से बाहर जा रहे हो, मजबूर आप कर रहे हैं। चुप हो जाओ। हरगिज नहीं। मत करो बदज़बानी। वाह बुलवाया आपने, वार भी आपने किए और हम अपने फपोले भी ना फोड़े। अगर तुम में रत्ती भर भी तमीज बची है तो सुनो हमारी। सुनेंगे आप, आप जख्म कुरेदे हैं आपने। किन खानदान वालों की बात कर रहे हैं? किसका खानदान, कौन सा खानदान,
इसकी टोपी उसके सर पहनाने वाला खानदान, अपनी बहु बेटियों की जवानी की कमाई खाने वाला खानदान, अपने आप को एक दूसरे की आंखों में टटोल कर देखिए, इस भीड़ में अकेला सच्चा हूं मैं, ये बूटा, इक्का चलाने वाला बूटा, नवाब बूटा। आप सब झूठ के हिंडोले में डोल रहे हैं। पकड़ है मुझे चिलचिलाती धूप में, जलती लू में, मेहनत की कमाई करके इज्जत के साथ हम मां बेटे शान से बैठकर रोटी खाते हैं। बंदियों खून खुशी से उछलने लगता है जब सुनाई देता है कान में कि वो देखो, वो जा रहा है नवाब बूटा और उसका इक्का। मैं जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप में से कोई दोबारा ना तो मेरे रास्ते में आएगा, ना ही मेरे मामले में टांग रहेगा, वरना हश्र हो जाएगा आप। फतवे बे फतवे दिए नहीं निकलते काम, बीज हलाल हराम के पिछड़ी कौन तमाम। कायम रहे सीता ये छूटे न सहारा, बिके नहीं ईमान अहद टूटे न हमारा। याद रहे ये दुनिया का बाजार कलंदर, चल कलंदर। इसके तो पटना के सुने थे, आप लखनऊ से आ रहे हैं लखनऊ जा रहे हैं? हम तो लखनऊ से जा रहे हैं, मगर ये इक्का नवाब बूटा का है। क्या आप बैठे नहीं? नहीं। फिर क्या आप लखनऊ खाक घूमा? जितने भी वो फलसफे सबके सब बेकार, चल बूटा तू काम कर जरा नहीं मन मान। चुक चुक गाड़ी छोड़ पका फिर इधर नजर कर, बैठ जरा तू शांति बूटा के इक्के पर। करेगा लखनऊ तुझे हमेशा प्यार कलंदर, चल कलंदर। मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर, हर मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर। ये क्या है? तस्वीर है। ओ, चंदा खाला ने फिर तस्वीर वाला लिफाफा भेजा। नहीं बेटे, इस लिफाफे से चंदा का कोई रास्ता नहीं। मैं समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रही हूँ। क्या वाकई इस सरजमीन पर किसी लड़की ने इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि हमारे हालात जानते हुए भी अपनी शादी का पैगाम होते जाए? हसीन है, पढ़ी लिखी है, यकीनन होनहार भी होगी, की दिलेरी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यकीन मानो बूटा,
इस तस्वीर ने तो मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा सा कर लिया है। नाम भी बड़ा मासूम। माँ 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 मा, मा। इस बारे में हम इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। रुकिए जरा। ठहरिए कलंदर मियाँ, ठहरिए। बस 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 बस, कहाँ जाना है मोहतरमा? नींबू पार्क। बैठिए। आराम से बैठिएगा मोहतरमा, अभी पहुंचे जाते हैं। नींबू पार्क। चल चल बेटा चल, नींबू पार्क। मोहतरमा आप आराम से पीछे बैठिए ना। पीछे ही बैठना होता तो आगे क्यों आते? मगर मोहतरमा ये जगह आपको जेब नहीं देती है। ये कैसे कह सकते हैं आप? इस गुर्बत को पाने के लिए तो हमने सैकड़ों मन्नतें मांगी है। ये क्या कह रही हैं आप? नजरें चुरा कर नहीं, मिला कर बात करें। जी इस इज्जत अफजाई की वजह हमें जानते हुए भी अनजान क्यों बोल रहे हैं? जी हम यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारी खुशफहमी को गलत फहमी का तो नाम ना दें। हम नाहिद हैं। आपके अंदाज के साथ साथ आपका नाम भी बहुत मासूम है, मगर हम अब भी अनजान हैं आपको जानने के लिए। आप सराय मालेखा में रहते हैं? जी। आपकी वालिदा साहिबा का नाम तस्नीम बेगम है? इस छानबीन की वजह कम से कम हमारे ऐब ही बता दें। तौबा तौबा, आप और ऐब? फिर क्या वजह है हमारे बार बार शादी के पैगाम को ठुकराने की? देखिए हमें देखा भी और सुना भी। मोहतरमा आपने हमें समझा नहीं। आपको समझा, जाना और माना भी। आज से नहीं बरसों से आपकी खूबियों आपकी दिलेरी ने हमें एक लड़की को इतनी हिम्मत दी कि सब कुछ भुलाकर इस नाहिद ने अपने मुंह से अपनी शादी का पैगाम आपको भेज दिया। हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदगी आपको काहे की? वो तो हमारे हिस्से आए। अब हमें भी कुछ कहने दें। फरमाएं। ये सच है कि माँ ने हमें एक लड़की की तस्वीर दिखानी चाही थी, पर ना आपने वो तस्वीर देखनी चाही और ना ही हमारे बारे में कुछ जानना चाहा। क्या कूहे काफ की परी से अपनी शादी करने की ठानी है? जी नहीं, बल्कि शादी ना करने की कसम खाई है। क्या आप हमें अपनी कसम के बाबत बताने के काबिल समझते हैं? जी जी, आपके काबिलियत पे जो शक करे उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। सुनिए, कसमें तोड़ने के लिए ही खाई जाती है। सब कसमें तो सुन ले, हमने भी कसम खाई है कि शादी करेंगे तो आपसे। Thank you.
मेहमान है ऊपर वाले बेटे। सचमुच हम सब तेरे धागे से बंधी कठपुतलियां हैं और तू है हमें नचाने वाला। वैसे पसंद आया तेरा ये नया शोशा हमें, वही जो तोहफे के तौर पर तूने, हाँ तूने ही तो, अरे भाई तू ही तो है मोहरे चलने और चलाने वाला। हाँ वैसे एक बात जरूर है, तूने अपने इस तोहफे को बनाया बड़ी फुर्सत से है, कहीं किसी कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नकली मिले तो सातों आसमान नजर आ जाए, आवाज ऐसी कि मुसाफिर रास्ता भूल जाए, और अंदाजे बयां तो ऐसा कि कातिल खुद अपनी तलवार से शहीद हो जाए। वाकई है तो हर चीज में तेरा ही जलवा। बन दुल्हन मेरी बंद ही आई, बन दुल्हन मेरी बंद ही आई, बन दुल्हन मेरी बंद ही आई। दुल्हन मेरी बंदगी आई, बंदुल्हन मेरी बंदगी आई। सजी है जो यहाँ ख्वाहिशें अपनी ये अरमान है, ये नाम अपने शबाब ने भेजे है, मानिए शरबती फरमान है ये। मिलने अपने किसी समंदर से, मिलने अपने किसी समंदर से, कोई नदी आई। बंदुलन मेरी बंदगी आई, बंदुलन मेरी बंदगी आई। कोई बहारों का फूल बनती कोई कली आई, इश्क से रूठी हुई किस्मत भी, इश्क से रूठी हुई किस्मत भी हुस्न के सीने से लगी आई। ओ बंदुलन मेरी बंदगी आई, बंदुलन मेरी बंदगी आई।
खुशनसीबी लिए सारी खुशियाँ, खुशनसीबी लिए सारी खुशियाँ, मेरे कसम भी जो हमने खा रखी है और तोहफा तोहफा है, कसम कसम। ओ इक्के वाले, आधा वर्ष है रुक जा कलंदर भाई, रुको रुको। कभी किसी जगह इक्का खड़ा करके सवारी की राह नहीं देखोगे? डेविड साहब, आप तो जानते ही हैं हम कभी अड्डे पे खड़े नहीं होते। खैर बताइए बात क्या है? बाहर से साहब बहादुर आए हुए हैं। साहब बहादुर तो लखनऊ में चिकन बनाने वालों की फोटो खींचना चाहते हैं। हवाई जवाई के पूरे 20 रुपए लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम चलो तो सही, चलिए बैठिए। चल कलंदर चलो। हाँ चल चल बेटा, बस हाँ मजे में बात, चलो चलो। He will take you to the chicken factory. Very nice. What is your name? नाम पूछ रहे हैं हम। बूटा। बूटा बूटा, गुड। माई नेम हॉपर। हॉपर हॉपर, गुड। वेरी नाइस। टोंगा। टोंगा नो, इक्का। इक्का 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 इक्का। चल कलंदर चलो बेटा। Fantastic. आज तक कितने ही कुर्ते पहन डाले पर इतनी मेहनत करती है सोचा भी नहीं था। हमारा बहन एक दिन में कितने कुर्ते बना लेते हैं? ये तो छपाई देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। कुसुम बहन एक दिन में आप कितने कुर्ते बना लेती हैं? एक कुर्ता कम से कम 2 दिन में बनता है।
साड़ी पर औसत दर्जे का काम हो तो 4-6 दिन लग जाते हैं। 4-6 दिन? अच्छा आपको इसकी महंगाई कितनी मिलती है? कपड़ा छोड़कर कुर्ते की कढ़ाई, तुरपाई, छपवाई, बनवाई और धुलाई सब मिलाकर 20-25 का कुर्ता, 50-60 की साड़ी। बस तो बाजार में तो कलंदर कमाल, एक पर 4 का मुनाफा कमाता है धनी, और ये लोग गर्दन झुकाए सुइया भोंकते अपनी आंखें फोड़ते रहते हैं। वाह रे ऊपर वाले, तेरे खेल निराले। थैंक यू बुता, वंडरफुल। ओ साहब साहब, ये तो 100 रुपए का नोट है। हमारी मजदूरी तो 20 रुपए तय हुई थी, छुट्टा नहीं हमारे पास। नो छुट्टा, किफायत बख्शीश। साहब हम बख्शीश नहीं लेते, आप सिर्फ हमें हमारी मजदूरी दे रहे हैं। ओ आई एम सॉरी, शुक्रिया साहब। ओ कैन आई टेक अ पिक्चर ऑफ यू, फोटोग्राफ? हाँ शौक से। कलंदर तो यस वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आई विल सेंड द फोटोग्राफ टू द मैनेजर, आई विल गिव इट टू यू। अच्छा सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज साहब, खुदा हाफिज। चल कलंदर चल चल बेटा। माँ 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 माँ, बड़ी तेज भूख लगी, जो कुछ अच्छा पक्का है जल्दी से खिला दे। हाँ हाँ, तो चिल्लू पानी मुंह पर डाल, मैं भी लगाती हूँ। अभी लीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। भूख से ऐसे चौंधिया गए कि आपको आज की कमाई देना भूल गए। अच्छा अच्छा, चैन से खाना खा। ये मैं हाथ डाले और निकाल ले, आइए ना। ये आज तुझे क्या हो गया बूटा? मान लीजिए ली। अब खाना अंक को लगेगा, बेटे की कमाई माँ के हाथ में पहुंच गई। बेटा 50 रुपये का बंदोबस्त हो सकता है क्या? क्यों माँ, खैरियत तो है? नहीं कुछ खास नहीं, थोड़ा सा कर्ज चुकाना था और महंगाई तो तुम देख ही रहे हो। हाँ माँ, एहसास है हमें, बदलते वक्त के साथ इन पैसों की औकात भी बदल चुकी है। हर कोई हवा के घोड़े से अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, सवारी ना मिलने पर ही लोग इक्के में बैठते हैं या फिर अपने शौक से मजबूर होकर। आप फिक्र ना करें माँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। और रुक जा, रुक रहा, रुक 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 रुक। भाभी क्या बात है भाई, ठंडी सड़क पर सैर कर रहे हैं वो भी स्कूटर पे? हाँ मजाक छोड़िए बूटा भाई, सच पूछिए तो दिल में शोले उठ रहे हैं। क्या बात यार, सवेरे से तुम्हारे को तलाश कर रहे हैं हम दोनों, ऐसा क्या हुआ? दो मासूम अधखिली कलियां, दो बूढ़ों के हाथ बेची जा रही है।
वे बुड्ढे निकाह करने जा रहे हैं। तो होश न खो बैठना यार, उन दोनों बच्चों के बाप भी नवाब आगा है। मैं नहीं करूंगी शादी। मर चुकी है तेरी माँ। मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी अब्बा। तुम्हारे बाप ने ही तुम दोनों को बेचा है। अब देखती हूँ कैसी रुकी तुम दोनों। तुम बक्सो मौलाना की एक आवाज तो बस नहीं निकली तो पीना बना के रख दूंगी। हमारी यार काफी, ये बात क्या है, ये देर क्यों हो रही है? मौलाना साहब अभी तक क्यों नहीं आए? चाचा मौलाना साहब बस पहुंचते ही होंगे। पर अम्मा पर क्या? मामूजान हाशिम रजा बता रहे थे कि दुल्हन के अब्बा ने जिद पकड़ रखी। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहलवाया है कि जब तक पूरी रकम नहीं मिल जाती वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अम्मा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लालची बुद्धा ऐन वक्त पैर फैला देगा। अब होगा क्या? वही होगा जो हम दोनों चाहेंगे। भाई मेरे, कहीं ऐसा ना हो कि निकाह के पहले ही कोई झंझट खड़ा हो जाए और हम लोगों की दी हुई आधी रकम भी दूं। अम्मा निकालिए बकाया की आधी रकम निकालिए। ये लीजिए। ये लोग कहते हैं हाकिम रजा को दौड़ाओ, कहना कि जाकर बुद्धे के मुंह पर रकम मारे। कासिम रुको, कासिम से कहना कि ये रकम बुद्धे के हाथ में पड़े प्यार से और उसको पुचकार कर अपने साथ लेता। पुचकार? मला हॉल वेला कोवर। पुचकार क्या होता है? है कौन बुद्धे के रोने गाने वाला? क्या कोई रास्ता नहीं वहां पर आना सिवाय मौत के? लेकिन बच्चों मौत के लिए भी तो हमने कितनी मिन्नतें की उसे, नहीं बुलाया उसने अपने पास। वो हमें ना बुलाए पर मेरी बहन हमें उसके पास पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तूने ही चाहता तेरे बंदे खुदकुशी करे पर हम भी क्या करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं हमें इस मुसीबत से निजात दिलाने वाला। आइए मौलाना साहब आइए। मौलाना साहब तशरीफ ले आए हैं, याद रखना जैसा समझाया है वैसा ही करना वरना। क़िबला साहबा मैं इजाजत ले आया हूँ, आप बिस्मिल्लाह फरमाएं। दुख्तरे बेख निहाना वल नवाब आगा, आपका निकाह नवाब छब्बन वल नवाब अफगन के साथ किया जाए, क्या आपको कबूल है? दुख्तरे नेक फराना बिनते नवाब आगा, आपका निकाह नवाब फर्रुख मिर्जा व नवाब जहादार मिर्जा के साथ किया जाए, आपको कबूल है? बच्चा! ये समा बड़ा अजीब होता है लेकिन ये आवाज छोटी बहन ने बड़ी बहन को पुकारा है। अब आप फिर रहमत फरमा। दुख्तरे नेक फराना बिनते नवाब आगा, आपका निकाह नवाब फर्रुख मिर्जा व जहादार मिर्जा के साथ किया जाए, आपको कबूल है? अरे बचाओ बचाओ, अरे खाने मारे पुकार, अरे कोई है, अरे कोई है, अरे फिर बचाओ, अरे बचाओ खाने मारे पुकार, अरे फिर बचाओ, अरे फिर बचाओ। बात तो भूले नजर आते हो,
हमारे घर से बचना चाहते हैं तो हट जाओ सामने से। जमीन कमजोर जमीने दो टके का इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम शरीफों के बीच में आने की? क्या रिश्ता है तेरा इनसे? कौन लगती है ये तेरी? भाई है इनका ये बूटा। क्या सेम खाकर बैठे हो? एक इक्के वाला भरी महफिल में से निकाह के पहले ही उन्हें उठा ले गया। अरे जाओ और जाकर पुलिस को खबर करो। उस मुए इक्के वाले का हथकड़िया डलवाओ। आसमान फटे उस कमीने पर। क्या दिलेरी दिखाई है इक्के वाले ने। अरे तुम कौन नहीं ना, मैं तुम्हें से कह रही हूँ। अब तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं थाने जाकर रपट क्यों नहीं लिखवा सकता? ए, वो क्यों? ये भी तो हो सकता है कि मैं थाने जाऊं और वो वहां पहले से मौजूद हो। उससे क्या, वो बाहर और मुझे अंदर होना पड़े। खुदा ना करे दुश्मनों के कान बहरे। उस मुए इक्के वाले की इतनी जरूरत? वो सिर्फ इक्के वाला नहीं, मेरा बेटा भी है। क्या? फराना कैसे है? फिलहाल दोनों बेहोश हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। फिर कोई हो सकता नहीं। शुक्रिया डॉक्टर। तो इस तरह रेहाना फरहाना को अगवा करके तूने अच्छा नहीं किया। बात पुरान शाम करूंगा मैं तेरा बाप हूं। बाप चलती रहेगी तेरी हमारी, ना तू बाज आएगा ना हम। हमारी ये कसम कि हम अपने साथ खानदान नवाब आगा का नाम सफाए हस्ती से मिटाकर दफन हो, और तेरी ये जिद की ऐसा नहीं होने देगा। तीन तुमने अपनी ही छुपा कर रखा था ना नवाब आगा की बेटियों को, ले आए सामने। ठीक है, तू अपनी किएगा, हम अपनी। मां तो बच्चियां कैसी हैं? मां अभी तक ठीक नहीं है, होश में भी नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी सेहत याब होंगी। मां इन बच्चियों पर अच्छे पर जाने क्या कसर है? मुझे सारी विदात मधुने बता। देखिए इतनी दिलेरी का काम करके तूने अपनी माँ की मेहनत को फुआरत किया। माँ ये दिलेरा शख्सियत भी तो आप ही की देन है। माँ बच्चियाँ कहाँ हैं? आइए आओ देखो। कदम मासूम चेहरे हैं दोनों के। कौन है, क्या नाम है इनके? माँ बड़ी का नाम रेहाना और छोटी इसका नाम है फरहाना। इनका घराना? इसी हकीकत ने माँ हमें बेचैन कर रखा है। छिपा सकते नहीं, बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो तुम्हारी हिम्मत तो मैं हूँ बेटा। यही तो डर है माँ, सच कहने की हमारी हिम्मत कहीं आपका दिल न तोड़ दे। बेटी दिल के हर हिस्से में तो तुम्हारा कब्जा है, टूटने के लिए जगह तो चाहिए। बेबाक होकर कहो क्या कहना चाहते हो? रेहाना फरहाना इनका बाप, इनका ये नवाब आगा की तीसरी औरत। तहजीब बुजा तहजीब, औरत तो मैं भी हूँ पर तुम्हारे बाद माँ कहलाई। रेहाना फरहाना की सौतेली ही सही पर हुई वो तुम्हारी माँ है। और नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। फरहाना फरहाना हाँ, तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे वही होगा मेरी बच्ची। आप कौन है? आपको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये माँ है तुम दोनों की? मगर हमारी माँ तो बचपन में ही मर चुकी है। सौतेली माँ समझ लो। नहीं, नहीं हमारे बाबा सौतेली माँ ने तो हमारा ये हाल किया है।
रेहाना, फरहाना बेटा पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती। हाँ बेटी, आज से तुम दोनों बूटा की बहनी और मेरी बेटियां। मेरे कलेजे के टुकड़े, ये माँ हमेशा तुम दोनों पर शफ़क़त, चाहत और प्यार की बौछार करती रहे। बच्चो, ये चपातियाँ तो बनने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे पेड़ का भी हाल यही है, इसलिए कि आप दोनों ने आटा गूंथते वक्त ख्याल नहीं रखा। पर अम्मा, पेड़े तो वैसे ही हैं। अम्मा की जान, पूरी और चपाती के आटे में फर्क होता है। पूरी के लिए आटा सख्त रहता है, जबकि चपाती के लिए आटा थोड़ा ढला होना चाहिए। आदाब तस्नीम बहना, आदाब। लगता है जिरई पराठे बनने जा रहे हैं। चंदा बहन, तुम्हारे साथ दस्तरखान पर बैठकर तो दाल चपाती में भी मुरग्गन का मजा आ जाता है। भाई, ये तो मोहब्बत है तुम्हारी तस्नीम बहन। इन गुजरियों को उन बुढ़े खुसटों के चुंगल से बचाकर भाई नवाब बूटा ने काबिले तारीफ काम किया है। जनाबे अमीर का साया है मेरे बेटे पर। भाई देख लेना बहन, तुम दोनों को ऐसी जगह ब्याहूंगी कि राज करेंगी राज। जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए ना जी। अम्मी जान तस्लीम, सलामत रहिए। हाँ जी जी, दिलजीत भाई। हाँ हाँ, बेटा है मेरा। उनकी बीवी मधु की सहेली हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? ये चंदा खाला है। तस्ली, क्या नाम बताया जी? हमने तो अभी अपना नाम बताया ही नहीं। मुझे ऐसा लगा। अरे, हमारे मधु की सहेली है, इतना काफी नहीं? नाहिद, हमारा नाम नाहिद है। नहीं, मैं समझ गई, रेहाना फरहाना से मिलने आई है। जी, मजा फरमाया आपने। आदाब भाईजान। आदाब आदाब। ओहो, आदाब चंदा खाला। जीते रहो बेटा। बेटे, ये नाहिद है। बेटे, खाना आज इन बच्चियों ने बनाया है। चलो बच्चों, खाना ले आए। अम्मी जान, खाना पकाना, सीना पिरोना, ये तो आप इन्हें कभी भी सिखा सकते हैं। रिहाना फरहाना के लिए तालीम बहुत जरूरी है। अब आपके सामने एक बेपढ़ा लिखा तो मौजूद ही। सच कहते हो बेटा, मैं भी तो इस दौलत से महरूम रही हूँ। अम्मी जान, हम इस स्कूल में टीचर हैं। बेटी, तुम्हारी इस आमद पर हम जितना भी फक्र करें कम है। अम्मी जान, जब से रेहाना फरहाना के बारे में सुना है, न जाने कितने ख्वाब देख डाले हैं हमने। रेहाना फरहाना पढ़ लिख कर अपने पैरों पर आप खड़ी होंगी, आज की तरह से पसंद औरत की जीती जागती मिसाल बनेंगी। अपने शौहर के रहमो करम की मोहताज नहीं रहेंगी, अपना सहारा ये आप बनेंगे। तस्नीम बहना, लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का फैसला करके खानदान की बजादारी पर पानी न फेर देना। आज खाना तो रहने ही दो, अब चलती है। चंदा खाला, हमारे साथ खाना खाए बिना हम जाने देंगे तभी तो आप जा सकेंगी, क्यों बराना? जी। तो फिर दस्तरखान? दस्तरखान तो लग चुका है।
या परवरदिगार, कब उठाएगा जनाजा इन वजादारों की वजादारी का? देख, तूने हमेशा हमें इज्जत से नवाजा है, आज फिर एक इल्तिजा है तुझसे। तेरे ही आश्रय बीड़ा उठाया। हम रेहाना फरहाना को पढ़ा लिखा कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, उनमें खुद एतमादी पैदा करना चाहते हैं, सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीने का सलीका सिखाना चाहते हैं। तू हमारी सोच को हकीकत में बदलेगा? जरूर बदलेगा। या तिवारी, कुछ देख रहे हो? नवाब बूटा अपने इसके के साथ अड्डे पर खड़े हैं। हाँ भैया सुब्राती, आज सूरज सूरज की बजाय 2500 होगा है। बहुत चल लिए तू लक्की चाल, आजकल वैसे भी सवारियों की आपाधापी लगी रहती है। क्यों भाई बूटा, कलंदर को कब से अड्डे पे खड़े रहने की आदत डाली? देख लो यार, कुछ भी कहो, आज भीड़ में सवारी बूटा ही। कोशिश आगा साहब, कोशिश नहीं तेल लेने, बहुत इंतजार कर लिया। हाँ बस, आप हमारी रकम पूरी की पूरी लौटा दीजिए। जी हाँ, रकम नवाब आगा, हमें इसी वक्त अपनी रकम चाहिए, वरना अगर हम रेहाना फरहाना को आपके हवाले कर दे। जी मेरा मतलब है निकाह कर दे। इस बात में कोई दम नहीं है मियाँ। ओ तो नवाब आगा का पानी देखना चाहते हैं आप, ठीक है, कल तक का मौका दे दीजिए, आप लोग अपनी आंखों से रेहाना फरहाना को हमारे साथ देखें। ठीक, देखेंगे। जब एक वफादार सिपाही फ्रांस पहुंचा तो उसने ये वहाँ पे ये पैगाम। बिल्कुल सही, शाबाश फरहाना। बाजी हाँ, जिस स्पीड से रेहाना और फरहाना पढ़ रही हैं, मुझे तो डर लगने लगा है। क्यों? अरे बाजी, ये दोनों अगर इसी तरह पढ़ाई लिखाई करती रहीं, तब तो पता ही नहीं चलेगा कि कब स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गए। बेचारे अखबार वाले तो फोटो छापते 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 थक जाएंगे। बस बस हामिद भाई, इतनी ज्यादा खिंचाई भी ना करें। बाजी मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं, सेवा करोगे तो मेवा तो पाओगे ही। देखते नहीं दोनों कितना दिल लगाकर मेहनत से पढ़ती हैं। नहीं बाजी। क्या मतलब? हमारी मेहनत में अगर आपकी हिम्मत साथ नहीं होती तो। बिल्कुल। क्रिश्चियन फॉर बाजी, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। इसे खाकर पूरी ताकत के साथ नाहिद बेटी की वाह-वाह करो। ये क्या अम्मी जान, कभी कभार तो तशरीफ लाते हैं, यानी कि हम इन्हें पढ़ाने में लगे और हम आप सबको तरोताजा करते हैं। बेटी अब हमारी उम्र कहाँ है ये पढ़ाई लिखाई सीखने की। अम्मी जान, पढ़ना लिखना ही तो ऐसा जादुई हुनर है जो उम्र का मोहताज नहीं रहता। हाँ अम्मी जान, आप जरा सा इशारा तो करके देखें, फिर देखिएगा बाजी की पढ़ाई का जादू क्या असर करता है। हमें जी बाजी, अब आपको देर नहीं हो रही है? जी पकड़ो कार। नहीं नहीं बाजी, जा रहा हूँ खुदा से। रिहाना फरहाना उड़ा। तुम मैंने बैठ जाओ। आपको शायद इल्म नहीं कि मैं कौन हूँ। चलो। आप कोई भी हैं, इस तरह गैर के घर में बनाने में कदम रखे कि आपने तहजीब तोड़ी, आप एक मुजरिम हैं। तुम ठिकाने रखकर बात कर लोगी, मैं बाप हूँ इनका। मैं माँ हूँ इनकी। तुम्हारे इशारे पर उस बदबخت ने हमें जलील उखार किया। इज्जतदार बगैर पुकारे किसी के घर में नहीं घुसते, अपनी इज्जत को सरे बाजार बेचा नहीं करते। नवाब आका साहब, जमान को लगाम दे लोगी, रहना फराना को फौरन मेरे हवाले कर दे, वरना कयामत पर पका दूंगा। आप तशरीफ ले जाते हैं या मैं अंगनाई में खड़े होकर आवाज दूं कि नामहरम हमारे घर में खुश कर बदतमीजी। तस्नीम बेगम, दुआ कर कि आज बूटा मुझसे न टकराए।
सोच भी नहीं सकता था कि इतना नीचे गिर सकता है आप। खैर के घर में तलाक तो मचाते जरा भी शर्म नहीं आई। काश की कुदरत ने ये रिश्ता ना दिया होता, वरना बूटा वो हस्त करके दिखाता कि मौत भी पनाह मांगती। मेरी वक्त की पैदाइश रहना फराना को इसी वक्त मेरे हवाले कर दे। मैं भी आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि पहले कि मैं बेकाब हो जाऊं, जहां याद कल के मुझसे बहनों का नाम मत ले। माँ, अम्मा, रेहाना, फराना, भाईजान, आदाब भाईजान। आदाब फराना, माँ कहाँ है? अम्मा तो इस वक्त हर रोज पड़ोस में जाती हैं। हर रोज? जी। मेरा आज बेवक्त कैसे आ गया? अम्मा, फराना, आप अंदर चलिए। जी। माँ, माँ आपको हमारी जान की कसम, बताइए आप हर रोज इस वक्त कहाँ जाती हैं और क्यों? ये किसने कह दिया कि मैं हर रोज इस वक्त? अम्मा, हमारी कसम आपके जवाब का इंतजार कर रही है। बेटे, मैं दर्द समझना चाहती हूँ। और हम अपने सवाल का जवाब समझे। मेरे लाल, अपनी कसम देकर तुम अपने दुखों में इजाफा क्यों करते हो? आपकी अधूरी बात हमें और ज्यादा दुख दे रही है। मैं दोपहर के सन्नाटे में छज्जी बेगम, बेगम जानी और रोशन जहां के यहाँ बर्तन धोने जाती हूँ। वहां रे पालने वाले, वाह, माँ के मुंह से अल्फाज सुनवाने से कहीं बेहतर था कि मुझे इन्हें सनोबूत कर देता। जिस माँ ने करवट करवट अजीत उठाकर मुझे हट्टा कट्टा बनाया, मुझे उसी माँ से आज तू झूठे बर्तन धुलवाकर मुझे ही जिंदा रखे। क्या किया तूने, बोल क्या किया तूने? बुटा को चुल्लू भर पानी में डूबने के काबिल भी नहीं रखा। तेरे यकीन पर मेरे संतों का ये इनाम दिया तूने। मैंने कभी अपने जख्मों पर मरहम तुझसे चाहा? ये दुखों की बावे न की, अपने दर्द के शिकवे किए? अरे फिर ये जुल्म ये कहर तूने इस पर क्यों उठाया? अरे उसकी जिंदगी तो हमेशा से कांटों की सेज रही है, फिर भी उसने तुझे रहीम और करीम माना है। वो रहीम और करीम माना, और तू एक मैं अपना तुझे याद करना होगा। मेरी जिंदगी चाहता है या मौत? ओ गुलबुट्टे, ओ बुट्टा, ठहर जा यार, ओ ठहर। क्या बात है, तेरे खातिर दो तो खुशखबरियां लाया हूं, दो तो। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का है यार, कहिए। अब पहले तो ये कि कार्टन होटल के मैनेजर ने तेरे खातिर पैगाम भिजवाया है। पैगाम? हाँ, कैसा पैगाम? और वो चाहता है कि तेरा कैलेंडर वहाँ रोज आने जाने वालों को सैर कराए। ओए, तुझे कोई अता सुने ना? क्या बात करता है दिल, तूने हमें रोशनी दिखाई है और रोशनी किसे नहीं पसंद। अच्छा, ये दूसरी खुशखबरी क्या है? यार, दूसरी खुशखबरी ये है कि तू चाचा बनने वाला है। अच्छा। ओए यार, बाप बनने वाला है। ओ करंदर, सुना तूने? यार करंदर, राई को राई समझ, राई नहीं पहाड़, खालिक मालिक है खरा, देगा छप्पर पार। कुछ सुना आपने? जरा बाहर तशरीफ ले जाके देखिए,
आज सारा मोहल्ला कह रहा है, कल सारा शहर आप पर हमारे खानदान पर नाम धरेगा। वो कुछ फूटेंगे भी आप, या यूं ही डराती धमकाती रहेंगे? हमारे पुश्तों ने जो नहीं किया है वो कर रही है ये रेहाना फरहाना। क्या मतलब? लड़के लड़के शाने से शाना मिला के साथ बैठते हैं, हाथ इकट्ठा करते हैं। जी तो करता है इन दोनों का गला घोट कर मॉर्टर। ये सारा किया धरा उस बूटा का है। बूटा याद रख, इस तरह खानदानी वजादारी से टकराता रहेगा तो एक दिन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। मेरा भी यही दिल चाहता कि बस पढ़ते ही जाऊं। क्या बात है? बात तो हमें तुम दोनों से करनी है, पहली और आखिरी बात। बिना भोरके के कभी सड़क से दिखाई तो सर काट कर फेंक दी जाएंगे। और ध्यान से सुनो, आज के बाद अगर घर के बाहर पढ़ने लिखने के लिए कदम निकाला तो टांगें तोड़ दी जाएंगी, समझी? ये सब भाईजान सुनेंगे तो आप सबकी चटनी बना देंगे। तुम दोनों का बाप बूटा नहीं नवाब आगा है। मैं कहती हूँ हमें जाने दो, वरना 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 क्या कर लोगी? वरना हम चिल्लाएंगे, लोगों को बुलाएंगे। बुला लो चिल्लाओ। रिहाना फरहाना, इन्हें कौन है बोलो जिन्होंने ऐसी कमीनी हरकत की है? मैं समझ गई, नवाब आगा साहब, इस जलील हरकत के पीछे आपका हाथ है। मासूम है आपसे डर आगा साहब। अफसोस आगा साहब, बच्चियों पर जुल्म खाते हैं कुछ सारा भी गैरत नहीं है? इन्हें इन्हें गैरत से क्या लेना? नवाब आगा साहब, आपने इस गैरत पर जुल्म करा है, जनाबे अमीर मदद कीजिए हमारी। अमीर मानिए, वो दोनों की दोनों सर पे पांव रख के भागी। अजी आप बिना बुरके के बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, और कभी भूले से भी पढ़ने लिखने का नाम भी नहीं लेंगे। जी साहब, दोनों के हाथों से काफी किताबें छीन कर पुरजे पुरजे कर डाले हमने। हमारे खानदानी गैरतमंदों, हमें आप लोगों से ऐसी ही उम्मीद थी, वरना अपनी औकात भूल गया था वो बूटा। नवाब आगा साहब, खुदा झूठ न बुलवाए, इस वाकये के बाद बूटा ऐसे दुबक के बैठेगा कि कभी आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। अरे चाहिए जाकर सीमत के पीछे चूड़ियां पहन के बैठ जाइए आप लोग। अगर आज के बाद किसी ने भी रेहाना फरहाना पर नजर उठाकर भी देखा तो खड़े खड़े गाड़ के रख देगा ये बूटा। और हाँ, आज से आप सब अपनी बहू बेटियों की खैर बनाए, वो हश्र करेगा ये बूटा कि रोने के लिए आंख में आंसू तक न छोड़ेगा। हम कीमत समझना चाहे टंके की चोट पर चला ये बूटा, टंके की चोट पर। तो पहले हश्र हमारा करे बूटा साहब। Thank you.
क्या मेरा शुमार बहु बेटियों में नहीं? हाँ या ना करें, आगे बढ़े, हाथ उठाए। और हम देश हाँ बनकर जो कुछ बोले हैं अमल करें। नाम ले हमारा, सारा भरम इस नाहिद का सिर सिर कर दिया है आपने। है तो इन कमजोरों को। रुक जाए बूटा साहब, कैसी जबान बोल रहे हैं आप? क्या फर्क छोड़ा है आपने अपने आप में और इनमें? आप ये अल्फाज मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बताएं तो सही, क्या समझूं मैं आपको, नवाब बूटा या ये सामने खड़े नवाबीन? जितना एहसान माने कम है ना साहिब, उस जहांजहाज से आपने हमें बचा लिया। कमी जहाजानी कर देखे, ये सारे अल्फाज आपके लिए हैं, बूटा साहब के लिए नहीं। जरा भी शर्म हो आपके पास, चुल्ली भर पानी में डूब मरे। खुद जाहिर होकर बच्चियों को रोकते हैं, उनकी रोशनी से महरूम करना चाहते हैं। काश जो किताबें आपने पढ़ी होती तो ऐसी हरकतें कभी ना करते। आप क्या जाने कि पढ़ाई लिखाई ही जिंदगी को सही सलीका सिखाती है। होशो हवास से सुन लीजिए, मैं एक औरत हूं। अगर रेहाना फरहाना का नाम या जिक्र भी कभी किया तो बूटा साहब तो आपका जो हाल करेंगे से करेंगे। इससे पहले आपकी धज्जियां मैं उड़ा दूंगी। नाहिद, सब खैरियत तो है? अमीजान, आपकी दुआएं कभी बेअसर हो ही नहीं सकती। तेरा शुक्र है, तेरा पूरा खैरियत से। रेहाना फरहाना अमीजान, बूटा साहब आए या आए ही नहीं? अभी तक तो नहीं आया। शाम होने को है अमीजान। हाँ बेटा, इससे पहले कि चराग जले तुम अपने घर जाओ। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। खुश रहिए। मांगने के लिए तो आपको ढूंढ रही हूं मैं। नहीं नहीं नाहिद, नहीं नाहिद, रात के अंधेरे में तो सभी रोशनी का एहसान मानते हैं, मगर तुमने दिन के उजाले में हमें जगाकर हमारी इंसानियत हमें लौटाई है। तब से हम इसी सोच में खोए थे कि अगर तुम टोक ना देती तो गुस्से में हम जाने क्या कर बैठते। चलिए हम एहसान मंद हैं आपके कि गुस्से में भी आपने हमारे जज्बे की कदर की। आप अंदर नहीं चलेंगे? माफ करना है, हम आपसे तुम पर आ गए। तुम्हारी सदाकत ने हमारा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। हम जानते हैं रियाना फराना सबसे बढ़कर
अम्मी जान इंतजार कर रहे होंगे। ये जो माँ बेटी बहन इनकी बड़ी मिठास, कायनात इनसे चली इनकी ही आकाश। रहे बाहोश भले हम चले अर्श पर, हो रौनक अफरोज सितारे जहां फर्श पर। जलवा घर का करे वही दीदार कलंदर, चल कलंदर मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर। ओ मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर। ए हमरे 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 के के ए इका इका भाई भाई वाह भाई भाई आप बैठिए आप बैठिए, हम देखते हैं कौन है। आप लोग पढ़िए। आप? हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। आइए आइए। जी अशी पति नवाब बूटा, हम यहाँ बैठने नहीं, इस मकान का कब्जा लेने आए। क्या? अभी इसी वक्त हमें ये मकान खाली चाहिए। आपका मकान? ये मकान हमारी माँ का है। आपका कब से हो गया? ये मकान तुम्हारी माँ का नहीं, तुम्हारे बाप नवाब आगा साहब का था। इसे हमने खरीद कर एक मुश्त रकम नवाब आगा को इसी शर्त दी थी, हमें मकान खाली चाहिए। सीधी तरह से खाली करते हो तो ठीक है, वरना हमें तुम्हारा सामान निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। सबसे बड़ी भूल हुई है, जिस नवाब आगा ने हमें और हमारी माँ को जिंदगी भर दुख और तकलीफ देने की ठानी, उसी की दी हुई छत के नीचे हम और हमारी माँ तक नहीं। क्यों? यह जिल्लत भी उन्हीं का किया तो मैं रास्ते के लिए मदद दीजिए। हरगिज नहीं। सामान बटोरने के लिए कुछ वक्त। ठीक है, लेकिन हम यही इंतजार करेंगे। रेहाना परहाना, आप दोनों जो भी छोटा मोटा सामान उठा सकते हैं भीतर से लाकर बाहर रखिए। हम जाकर बड़े सामान के लिए मजदूरों का बंदोबस्त करते हैं, जल्दी कीजिए। क्या हुआ होगा बाजी? पता नहीं, चलो चलते हैं। क्या कर रही हो तुम दोनों? भाईजान ने कहा है जो सामान हम उठा सकते हैं बाहर ले जाकर रखें। हाँ, और बड़े सामान के लिए भाईजान मजदूर बुलाएंगे। वो रखिए, भाईजान आ रहे हैं। बूटा ये माँ ये माँ हम अभी इसी वक्त ये मकान छोड़ रहे हैं। हाँ, किसकी इजाजत से? जी माँ, माँ जी मकान के जो मालिक है ना माँ, वो बाहर मौजूद है। हाँ मकान के मालिकों को तो मैं देखती हूँ। माँ माँ कौन है आप लोग? इस मकान के मालिक हैं हम तीनों। आपके बाप का मकान है ये? जी नहीं, हम लोगों ने इसे नवाब आगा साहब से खरीदा। ये मकान मुझसे कोई नहीं ले सकता। शायद आपने सुना नहीं, नवाब बाबा ने उन्हें कोई हक नहीं पहुँचता हमें उजाड़ने का। कोई तकलीफ ऐसी नहीं बची जो उन्होंने हमें लाल को दी हो। माँ 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 ये आप किससे कह रही हैं और क्यों? अरे मैं किसी से नहीं डरती, अलावा अपने खुदा के। तो जाओ,
नवाब आगा की भी आज छज्जी आना कर दी तो मेरा भी नाम नहीं। क्या समझ बैठा है वो अपने आप को और पूछे? माँ माँ आप उस दहलीज पर नहीं जाएंगी। नवाब आगा की बखिया उधेड़े से आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। माँ उम्मीद है आपकी? हाँ तो जाइए, जरूर जाइए, मगर उस तरफ से लौट कर हमारी लाश पाएंगे आप यहाँ। सुन लो तुम भी और सुन ली ये नए मकान मालिक, जितने जतन कर डाले आप सब, लेकिन तस्नीम को इस चौखट से बाहर नहीं कर सकते। तस्नीम को इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। तस्नीम का जो पहला लागा था इस दहलीज के अंदर, इसके बाहर जनाजा ही निकलेगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मीजान आप यहां और गुलगुट्टे सब क्या है? दिल्ली तो तुम मां कौन करना चाहो? जब तक ये कमजात यहाँ से अपना मुंह काला नहीं करते मैं हिलूंगी नहीं। ओए जब अम्मी जान बोल रही तो आप लोग जाते क्यों रहे? मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा गुलगुट्टे, ये मकान हम लोगों ने खरीद लिया है और तो खाली कराने आए हैं। तो कोर्ट का नोटिस लाए हैं, अपने साथ बदमाश लाए हैं। जल्दी अंदर जाओ। मत गुलगुट्टे, तुझसे ज्यादा चीख सकता हूँ मैं, अब वही होगा जो अम्मी जान चाहती है। रियाना फराना सामान अंदर रखो। देख दिलजीत, अलावा माँ के अगर तू कुछ भी सामान अंदर ले गया तो समझ लेना यारी खत। ओए गुलबुटे, अम्मी जान की ख्वाहिश पे तोड़े यारी कुर्बान करता है दिलजीत। अब आप सीधी तरह जाओ, कोर्ट जैसा कहेगी हम वैसे ही करेंगे। देखो सरदार जी, ओ एक बार कह दिया ना अम्मी जान का कहा नहीं चलेगा, तो आपको जाना हो तो जाओ, ना जाना हो तो ना जाओ। नवाब बूटा रोको इसे, वरना हम देते हैं आवाज। ओए मैं लेके आया हूँ रास्ते में दो आवाज और दो ना आवाज और एक जान है, वाहे गुरु ले या फिर अम्मी जान आपके कब्जों की कसम खा के कहता हूँ आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, पर अभी आपको मेरी कसम अम्मी जान, आप अंदर चलो अम्मी जान। मकान आपको आज खाली मिल गया। रियाना फराना सवाल अंदर ले जाओ पुत्र। आप आराम से बैठे। हाँ अम्मी जान मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बेटा बूटा से दोस्ती मत तोड़। ओए अम्मी जान, ओए तुसी जरा भी फिक्र ना करो, ओए हम लोगों में थोड़ी बहुत तो नजदीक अभी चला करती है, तुसी इतने आराम से बैठो, मैं थोड़े खातिर पानी लेके आता हूँ। अभी लाइन
हेलो, और तुझे उठे बैठ गए। अम्मी जान पानी, अम्मी जान, अम्मी जान, अरे शर्म करो शर्म, अपने अपने गरेबानों में मुंह डालो, रो अपनी जलालत पे। तस्नीम तो जीत गई, अरे मेरी बहना जीत गई, और तुम खुदा गारत करे, अरे खुदा गारत करे तुम जीते जी भी नहीं जी सके। लानत है तुम पर, फिटकार तुम्हारे इरादों पर। नवाब बूटा, हम जनाजे में शिरकत के लिए ठहरे हैं। खुदा गारत करे हमें जो कभी हम मकान खाली करने को कहें। जिस तरह मेरी मां मर के वापस नहीं आ सकती, उस तरह मैं इस घर में वापस नहीं बस सकता। फिर
सुनाओगी नहीं, रूठे को आके मनाओगी अपने बदन की बहुत याद आए, तेरी याद आए, तेरे दामन की बहुत याद आए, तेरे दामन की बहुत याद आए। अम्मी तेरे लिए कुछ करना सका, ठीक से जीना सका मरना सका, अम्मी तेरे लिए कुछ करना सका, ठीक से जीना सका मरना सका, अपने इस जीते जी मरण की बहुत याद आए, तेरी याद आए, तेरे दामन की बहुत याद आए, तेरे दामन की बहुत मेरे पाले इतना खराब कर रहे हैं अब कि हमें भी ऊपर बढ़ा ले, अब देख नहीं सकते हो, अब ले लिया जाता। वक्त से पहले वो कभी किसी को नहीं बुलाता। बुलाना होगा नहीं, फिर बुलाना होगा। हमारे दिल का कहना है कि उसकी मर्जी है, आपको जीना होगा। किसके लिए? रेहाना फरहाना के लिए, उन्हें नई जिंदगी के सबक देकर उनकी जिंदगी के पन्ने फाड़ देना चाहते हैं आप? हर्ष के। हमें यकीन नहीं होता आप जैसे चट्टान दिल कभी हार नहीं सकते। चट्टाने टूटती भी है ना। हाँ, मगर नई राह बनाने के लिए हम तुम्हें कैसे समझाएं ना। हमारे चारों तरफ अंधेरा घुप है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अम्मी जान के अरमान, उनका तसव्वुर, उनकी दुआएं उन्हें झुटला सकते हैं आप? बूटा साहब, अगर उन पर आपका और हमारा यकीन कामिल ना होता तो ना आप फख्र से बातें करते और ना हमारा ये एहसास जागता। दुआओं को मौत नहीं आती बूटा साहब। वो तो यादों का चिराग बनकर घनघोर अंधेरे को भी
उच्चारण में बदल दिया करती है। उठिए चलिए। कहाँ? घर। घर किसके? हमारे। नहीं 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 नहीं। तो फिर कहाँ रहेंगे आप? यही यहाँ कब्रिस्तान में। क्यों? मुर्दे रह सकते तो हम तो फिर भी जिंदा। यही तो चाहता है पाक परवरदिगार कि आप जिंदों की तरह जिंदगी जिए। नहीं, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। एक एक थे की कमाई। बुरा ना माने तो कुछ कहूं? हम जानते हैं तुम हमारे यकीन को नहीं तोड़ोगे। अपने यकीन पर तो आप खुद ही फातिहा पढ़ने को तैयार हैं। नहीं, कुछ गलत कहूं तो फौरन टोक दें। क्या ये आपका यकीन नहीं कि पहाड़ों तूफानों से मुकाबला करने की आप ताकत रखते हैं? क्या ये आपका यकीन नहीं कि अल्लाह ताला ने आपके बाजू में फौलाद की ताकत बख्शी है? क्या ये आपका यकीन नहीं कि आपकी सोच आपकी फिक्र के आगे समंदर की गहराई तेज है? बुद्धा साहब, मेरी जबान आपके अल्फाज दोहरा रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने जरियाए माश का इकलौता सहारा इक्के को समझ बैठे हैं। आज जब लोग चांद पर घर बनाने के ख्वाबों में जुट गए हैं, क्या आपको ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आता जिसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर रेहाना फरहाना के ख्वाबों को पूरा कर सके? अपनी जिंदगी खुशहाल बनाकर अम्मी जान की रूह को खुश कर सके? अगर इंसान के दिल में ईमानदारी का जज्बा है तो वो हर काम ईमानदारी से ही करेगा, और अल्लाह कभी भी ईमानदार के साथ नाइंसाफी नहीं करता। ओए सोनिया, रिहाना फराना देखो तो कितने प्यारे प्यारे सूट हैं। ये रंग हमारी फरहाना के लिए, और ये प्यारा प्यारा सूट हमारी रिहाना पर कितना प्यारा लगेगा। है ना बुटा भाई? रिहाना फराना देखो, देखो ना बूटा भाई कितने गजब की मुर्री है। अरे वाह। अरे यार गुलबुट्टे, और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा यार कि लखनऊ के चिकन का काम सारी दुनिया में ऐसे खा जाएगा। ओए नए दौर के हिसाब से नए बनाने वाले हाथ भी लखनऊ के चिकन का काम उफ, ओए कयामत की डिजाइन डाल रहे हैं। यार दिल, तुम्हारे इस सौगात में हमें एक नई राह नजर आ रही है। ये मतलब क्यों ना हम चिकन का कारोबार शुरू करें? ख्याल बुरा नहीं है बुद्धा भाई। हाँ हाँ, तो चिकन बनाने वालों को तो तलाश कर लिया जाएगा, मगर कपड़ा धागे छपाई इस सब के लिए रकम। ओए बूटे, तुम्हें मैंने भूल गया क्या? ओए तोड़ा यार भी तो कपड़ा ही। हाँ हाँ ठीक तो है बुद्धा भाई। तो ठीक है, रब का नाम लेकर चिकन कारोबार की बूटा करता है बिस्मिल्लाह। ओए जियो मेरे यार। बात नहीं मुबलिस की या अमीर की भाई, बूट
बूटा सबका झगड़ा किसी से नहीं लड़ाई, हर कोई हो गया गले का हार कलंदर। चल कलंदर मंजिल दर मंजिल करता चल पार कलंदर। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा साहब, बहुत बहुत मुबारक, मुबारक हो बेटा मियां। मुबारक हो बूटा मियां, मुबारक हो बूटा मियां, मुबारक हो आपको। और गुल बूटे और इस मौके पे एक स्पीच हो जाए यार। हाँ भाई हो जाए। हमारे अजीजों, अपने हाथों से गुलबूटे बनाकर चिकन कारोबार को इज्जत बख्शने वालों, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। ये कारखाना हम सबका है, क्योंकि मेहनत करने वाले सब आपस में एक होते हैं, और इसीलिए हमने इसका नाम गुलबूटा चिकन खजाना रखा है। गुल गुल आप सब, आप सब और बूटा हम, और ये चिकन खजाना हम आप सबका। यहां यहां कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, बल्कि हम सब अपने हाथों से अच्छा चिकन बनाकर इस काम में चार चांद लगाएंगे और अपनी पहचान खुद बनाएंगे। ओ दिल दिल मेरे यार मेरे भाई, बहुत खुशी के वक्त आए थे दोस्त, आज वो ऑर्डर पास हो गया। दिल क्या बात, आज जिंदगी में पहली बार हम अपने दोस्त को अपनी खुशी जान देखे, क्या बात। मैं कुछ बोल रहा हूं, बोलना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारी कसम बूटे, नवाब नवाब आगा साहब, क्या हुआ उनको? तुझे बताना भी जरूरी है पर मेरी हिम्मत नहीं पा रही। तुझे हमने अपनी कसम दी है, बोल क्या हुआ उनको? बूटे आगा साहब तीन दिन से भूखे नहीं बल्कि भीख मांगने। ऐसा नहीं है, जाकर उन्हें दे देना और उन्हें यह भी यकीन दिलाना कि हर महीने की पहली तारीख को कितनी रकम उन तक पहुंची है। करिश्मा हुआ खुश नसीबी जो लौट आई है, कामयाबी में कदम चूमे हैं। इतनी दौलत यहाँ बिछाई है, एक रौनक है गोशे गोशे में, ऐसी खुशहाली जगमगाई है। या खुदा ये तेरी खुदाई है, या खुदा ये तेरी खुदाई है। Thank you.
वाले, तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। तूने एक बहुत बड़े और आखिरी फर्ज को अंजाम तक पहुंचाया। हमारी हमारी सारी फिक्रें खत्म। भाईजान, ये खत कोई आपके लिए दे गया है। आपने हमें मां की कसम लिख भेजी थी, हम हाजिर हैं। बूटा, खुदा दुश्मन पर भी वो वक्त चलाए जो मुझ पर आया हुआ है। वैर से मुझको गिला, अपनों से भी शिकवाना था। मेरी दुनिया थी मैं जब तक, तालिबे दुनिया न था। मैं इस सच का इकबाल करता हूं कि तमाम उम्र मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को सिर्फ तकलीफें ही पहुंचाई, और बदले में तुमने मेरे फांसे तोड़े हैं। हमारे जख्मों को कुरेदे से बेहतर है आप कोई और बात करें। देखो देखो बेटा, इस नाम से ना पुकारें। अपना मुद्दा बयान करें। चिरागे शहर हूं, बुझा जाता हूं। मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। अपनी मौत से पहले चाहता हूं कि तुम इस बेकसो लाचार की दो आरजुएं पूरी कर दो। जरूर बयान करें। मेरी मेरी पीठ कब्र में लग जाएगी अगर एक बार, सिर्फ एक बार तुम कह दो कि इस नाजार बाप की सारी खताओं को तुमने माफ कर दिया। हमारे खुदा ने हमने आपको माफ किया। नवाब आगा को अपने खून से यही उम्मीद थी। मेरा नवाब बूटा, हमारी गुजारिश आपसे हमारे नाम के साथ जुड़ा नवाब लफ्ज हटा दे। आप जैसे नवाबों का ख्याल आते ही ये लफ्ज नवाब हमें गाली सा लगने लगता है। हमारी माँ हमें बूटा कहकर पुकार करती थी और इसके सिवा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। चलते करो, हम पर तरस खाओ। जाने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की आमी भरते जाओ, ताकि मरने के बाद मेरी रूह नवा तवा न फिरती रहे। इसे मेरी ख्वाहिश ही नहीं, वसीयत की समझना। तेरी लाश को अपनी वालिदा की कब्र के पहलू में दफन करना। हमारी मां हमसे ऐसी कोई वसीयत करके नहीं गई। मरने वाले की वसीयत को पूरा न करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें इस गुनाह के साथ अपने दफन होने का कोई गम नहीं होगा। नाहिद साहिबा, एक इक्के वाले को अपनी गुलामी में लेना कबूल फरमाएंगी?